अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं आलू की भुजिया। उसके लिए मेरे पास 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिसको मैं 2 टेबलस्पून ऑयल है उसमें फ्राई करूँगी। देखिए प्याज हमारी फ्राई होना शुरू हो चुकी है, प्याज फ्राई हो रही है। प्याज का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा, ये देखें प्याज फ्राई हो रही है, ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है। इसको अब मैं प्याज के साथ ऑयल में फ्राई करूंगी, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर 2 से 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे, उसको मैंने क्यूब्स में कट किया और वो शामिल कर दिए। अब इसको ज़रा अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए जैसे ही थोड़े से मिक्स हुए हैं, मैंने इसके अंदर हसबे जायका नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। नमक शामिल करने के बाद आलू को अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करेंगे प्याज के साथ ही। जैसे ही आलूओं का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये देखिए अच्छे तरीके से इस तरीके से करना है आपने। अब ये देखिए आलूओं का कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल किया है और 1 टीस्पून अदरक मैंने इसको क्रश किया था मैंने शामिल कर दिया है। और मेरे पास हाफ टमाटर ले लें आप, अगर बड़ा है तो उसको क्यूब्स में कट कर लें और इसमें शामिल कर दें। उसके बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पका दें। जब ये पक जाए उसके बाद हमने खोल के इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल की है और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है और पिसा सूखा धनिया मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। ये शामिल करने के बाद ये देखिए आलूओं का कलर हल्दी की वजह से, थोड़ी सी हल्दी मैंने शामिल की है, ज़्यादा नहीं करनी, कितना अच्छा कलर हो गया है और ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें इमली का पल्प सिर्फ शामिल करना है, गुठलियाँ वगैरह इसकी शामिल नहीं करनी। ये ज़रा हल्की सी खटास देंगे तो भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए कितनी अच्छे से हमारे आलू जो से हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है। अब इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। और फिर उसके बाद मैंने 3 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी फ्रेश जो थी, मैंने कट नहीं की, बिल्कुल साबत ही डाली हैं। देखिए कितना प्यारा ग्रीन कलर, येलो ग्रीन सा बहुत अच्छा सा बन गया। टेस्टी से हमारे आलू की भुजिया हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।